हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ गैदर नेक डिज़ाइन। तो ये हम टॉप पे बनाएंगे, जो गर्ल्स टॉप होते हैं उस पर। तो चलिए कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, गैदर नेक बनाने के लिए बेसिक जो अपन नाप लेते हैं बॉडी का, वो ही रहता है। सिर्फ इसमें शोल्डर को आपको देखना है कि शोल्डर हमारा किस तरीके से होता है, क्योंकि शोल्डर में इसके चेंजेस होते हैं। तो नॉर्मल शोल्डर जो है हमारा 14 इंच है, जिसका हम हाफ लेते हैं 7 इंच। तो इसमें हमने 2-3 इंच एक्स्ट्रा ही लेना है उससे। तो इस तरीके से पहले मैं लंबाई के नाप लगा लेती हूँ। जैसे 7 हमारा शोल्डर है, तो 7 ही हम आर्म होल रखेंगे। कमर का नाप हमारा 13.5 इंच पे आएगा, और ये हिप का नाप। तो इसमें हम देख लेते हैं, ये वाला जो है हमारा, जो हम आर्म होल नापते हैं, यही हमारी चेस्ट लाइन भी होती है। तो चेस्ट जो है हमारा 34 इंच, 34 में हम 2 इंच प्लस करेंगे तो 36 हो जाएगा। तो 36 का यहाँ पे चौथा हिस्सा लेंगे, जो कि 9 इंच होता है। तो ये 9 इंच इस तरीके से। और मैंने क्या किया है, जितना मुझे लंबाई चाहिए था उतना मैंने कट कर लिया है, और जितना मेरे को ये चौड़ाई चाहिए था उसके हिसाब से ही मैंने कट करके पहले कपड़ा ले लिया है। और इसको इस तरीके से 4 फोल्ड पे रखा है। इस तरीके से ये 4 फोल्ड है, और यहाँ से फोल्ड है पूरा मेरी तरफ से। और क्योंकि ये थोड़ा स्लिपरी कपड़ा है, तो मैंने इस तरीके से इसको पिनअप भी कर दिया है। अब कमर का नाप लगा लेते हैं। कमर हमारा यहाँ पे है 32 इंच, जिसमें हमने 2 इंच प्लस किया, तो 34 इंच कमर हो गया। 34 का भी आपको चौथा हिस्सा लेना है, जो कि 8.5 हो जाएगा। हिप यहाँ पे हमारा 34 है, 34 में हमने 2 इंच प्लस करना है, 36 हो जाएगा। 36 का चौथा हिस्सा लेना है। इन सब मार्क को सीधा कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं हम शोल्डर पे, जो कि इसका मेन पार्ट है। तो यहाँ पे शोल्डर जैसे कि हम आधा लेते हैं, जो भी आपका नॉर्मल शोल्डर होता है, जैसे कि 7 हुआ, आधा 14 का 7 आधा हुआ। पर हम इसमें ये पूरा ही ले लेंगे, जो कि 9.5 आ रहा है। तो इसमें से हम 3.5 इंच इसका रखेंगे शोल्डर का। तो इस तरीके से मैंने लिया यहाँ से 3.5 इंच, और बाकी हमारा पूरा नेक कट जाएगा। तो फ्रंट नेक जो है, जिसकी हम डीप रखेंगे 3 इंच फ्रंट नेक की, और इसको निशान लगा लेते हैं। और क्योंकि हमारा यहाँ पे हमने नॉर्मल शोल्डर जो था वो 7 इंच था, तो यहाँ पे भी 7 इंच पे मार्क करेंगे इस तरीके से, और इसको हम इस तरीके से मिलाएंगे तिरछा, और इसका राउंड ले लेंगे यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, बाकी बॉडी तो देखा, जो बेसिक हम काटते हैं उसी तरीके से है। सिर्फ आपका जो ध्यान रखना है, सिर्फ यहाँ पे ध्यान रखना है शोल्डर में। जितना भी आपका नॉर्मल शोल्डर होगा, जैसे कि 7 है, तो उसमें 3 इंच या फिर 2.5 इंच इस तरीके से आपको प्लस करना है, बढ़ा के काटना है। और इस तरीके से कोने से मैंने आर्म होल की ये गोलाई भी लगाई है। ये वाला निशान जो है हमारा, इस तरीके से मैंने लगाया है। जितना अपना नॉर्मल शोल्डर है उतना ही मैंने लगा दिया। चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ से एक सेंटर का कट लगा देती हूँ मैं। नेक हम अलग अलग करके काटेंगे, क्योंकि जो बैक का नेक है वो छोटा कटेगा। ब्रॉडनेस इतनी ही रहेगी बैक के नेक की भी, पर वो 1 इंच गहराई में कटेगा। तो इसको अलग अलग कर लेते हैं हम। तो ये बैक का है, इसको हम इस तरीके से कट कर लेते हैं। 1 इंच ही डीप काटना है इसको। इसको हटा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको मैं एक तरफ रख लेती हूँ। अब हमें चाहिए तिरछी पट्टियाँ, जो कि नेक पे लगेगा और उस पर इलास्टिक लगेगा हमारा। तो मैंने इस तरीके से तिरछी पट्टियाँ काट ली हैं। पूरे नेक पे हमें तिरछी पट्टियाँ लगानी हैं। तो इसकी चौड़ाई मैं आपको बता दूँ, 4 इंच ली है। तो चलिए मशीन पर आगे एक वीडियो दिखाती हूँ मैं आपको। तो फ्रेंड्स, अब हम इन तिरछी पट्टियों को जोड़ लेते हैं। तो इस तरीके से जोड़ना है, इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे इसमें। तो ये पट्टियों को मैंने जोड़ लिया है इस तरीके से। अब इस तरीके से करके फोल्ड करके, और हमें एक सिलाई लगानी है। चलिए इतना कर लेते हैं।
तो फ्रेंड्स ये सिलाई तो मैंने कर ली है, एक और सिलाई करनी है हमें यहाँ पर। तो इसमें क्योंकि मैं इलास्टिक लगाऊंगी, तो आप कितना चौड़ा इलास्टिक लगा रहे हैं उससे हल्का सा बड़ा आपको एक और सिलाई लगानी है, जिसमें हमारी आराम से इलास्टिक चली जाए। चलिए एक और सिलाई लगा लेते हैं। तो मैंने टॉप उठा लिया है, अब सबसे पहले हम इसका शोल्डर जॉइंट करेंगे। यहाँ पे सिर्फ हम एक ही शोल्डर अभी जॉइंट करेंगे, क्योंकि हमने जो भी पट्टी तैयार की है वो लगेगी, तो सिर्फ एक ही शोल्डर हम जॉइंट करेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए, मैं इस तरीके से ये बैक साइड से मैं शुरू कर रही हूँ और ये सीधा है हमारे टॉप का। तो इस तरीके से मैं पट्टी को रखूँगी, जो हमने फर्स्ट वाली सिलाई लगाई थी पट्टी को, उसी के ऊपर हम लगाते हुए जाएंगे, पूरे नेक में लगा लेंगे इस पट्टी को। चलिए तो फ्रेंड्स ये देखिए, इतना नेक इस तरीके से हो गया तैयार। अब हमें इसमें इलास्टिक डालनी है, तो जिसके लिए भी आप बना रहे हो उसके आपको गर्दन का नाप लेना है और बिल्कुल ढीला लेना है। चाहे तो आधा इंच एक्स्ट्रा ही ले लें, टाइट नहीं होना चाहिए गर्दन पे, बिल्कुल ढीला होना चाहिए। तो जिनका भी मैं बना रही हूँ उनका जो है वो 13 इंच है, तो मैं इसको 14 इंच ले लूँगी, क्योंकि सिलाई में भी दबेगा। तो इस तरीके से मैं इस पर 14 इंच पर निशान लगा लेती हूँ। अब मैं क्या करूँगी, किसी भी पिन की सहायता से आप इस तरीके से डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कोने पे इलास्टिक को ला के हमें पक्का कर देना है, सील देना है। और इस तरीके से हमने जो निशान लगाया था उसको देखेंगे, तो ये आ गया निशान। यहाँ से भी हम सिलाई लगा के इसको पक्का कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम खींचेंगे तो इक्वल गैदर हो जाएगी, और जो दूसरा शोल्डर हमने छोड़ दिया था उससे भी हम सिलाई लगा लेंगे अब इस तरीके से करके। तो इस तरीके से हम नेक से अब सिलाई लगाएंगे पूरे शोल्डर पे। चलिए लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स पूरा रेडी है हमारा नेक, और साइड के टॉप की जो नॉर्मल सिलाई होती है वो भी मैंने कर ली है साइडों से। तो ये देखिए इस तरीके से इसका लुक आया है, और बहुत ही आराम से भी पहना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी पहनने में भी। तो फ्रेंड इस तरीके के आप स्लीव भी बना सकते हैं इसमें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।